जय माता दी, जय माँ कामाख्या। नवरात्रि में और नवरात्रि के एक दिन पहले, दो दिन पहले चतुर्दशी के दिन मनुष्य चाहे तो अपनी रक्षा के लिए, अपनी आसन की रक्षा के लिए, अपने इस घट पिंड की रक्षा के लिए, इस शरीर की रक्षा के लिए, या अपने घर की रक्षा के लिए, अपनी दुकान की रक्षा के लिए, या फिर अपने व्यवसाय स्थल की रक्षा के लिए, जो हम रक्षा मंत्र आपको बताने जा रहे हैं, इसका पाठ कर ले। शमशान में रात को 12 से 4 बजे के बीच में, और अपने खून से इस मंत्र को भोजपत्र पर लिख ले, और फिर इस भोजपत्र को अपने गले में तावीज के अंदर रख करके पहन के रखे, तो आपके ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू ऐसा होने की संभावना बहुत कम, बहुत नगण्य हो जाएगी। और यदि आपने एक रात में इसको सिद्ध कर लिया, नवरात्रि के दो दिन पहले यानी चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के भी एक दिन पहले, तो आप छोटे मोटे झाड़ा भी दे सकते हो, छोटे छोटे उपद्रव जो होते हैं इनको शांत कर सकते हो, भूत प्रेत पिचास पूतना इनको भी आप शरीर से निकाल सकते हो, हटा सकते हो, शांत हो जाते हैं। और ये मंत्र अष्टगंध की स्याही से भी लिख करके आप किसी को पहना दोगे आपके हाथ से, तो ये काम करना प्रारंभ करेगा। पर पहले इस मंत्र को सिद्ध करना होता है, तभी ये आपके लिए काम करेगा और दूसरों के लिए काम करेगा। और इसका नियम यह है कि नवरात्रि के दो दिन पहले जो काली चौदस आती है, उस काली चौदस के दिन रात को 12 बजे आपको यह मंत्र शमशान में ब्रह्म मुहूर्त होने के पहले तक जप करना है, और जितना जप किया उसका दशांश हवन भी करना है। इस मंत्र का हवन शहद से, अनार से, घी से, खून से, बकरे के मांस से, मुर्गे के मांस से आप इसका हवन करना पड़ता है, तब जाकर के यह मंत्र सिद्ध होता है। गुरु के सानिध्य में रहकर के ही ये कार्य करें, गुरु से स्वीकृति लेकर के ही ये कार्य करें, या फिर आपके पास पहले से ही कोई आपकी रक्षा करने वाली कोई शक्तियां उपलब्ध हैं, तो उनके सानिध्य में रह करके आप यह कार्य कर सकते हैं। यदि किसी मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा के लिए, घटपिंड की रक्षा के लिए, अपने आसन की रक्षा के लिए ये तावीज आवश्यकता हो, तो त्रयोदशी तक आप इसको बुक करा सकते हो। जो भी व्यक्ति बुक कराएगा उसके नाम से संकल्प लेकर के ये तावीज तैयार किया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी स्वयं की, अपने व्यवसाय स्थल की रक्षा करना चाहता है, वह इस तावीज को हमसे प्राप्त कर सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के 9893128047 और 7649862712 इन नंबरों पर फोन करें, मैसेज दे व्हाट्सएप के माध्यम से, अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर बताते हुए तावीज लेने के बारे में अपना मत प्रकट करें। तावीज बनाने के लिए जो मंत्रों का प्रयोग होता है उसमें
ओम सोह व्रज नखाय दंष्टा युधाय महासिंहाय ओम फट, ये इसका मंत्र है। ओम सोह व्रज नखाय दंष्टा युधाय महासिंहाय ओम फट, ओम सोह व्रज नखाय दंष्टा युधाय महासिंहाय ओम फट, ओम सोम व्रज नखाय दृष्टा युधाय महासिंहाय हुम फट, ओम सोह व्रज वज्र नखाय दंष्ट्रा युधाय महासिंहाय हुम फट नमः, ओम सोह वज्र नखाय दंष्ट्रा युधाय महासिंहाय हुम फट। ये मंत्र है, इस मंत्र का लगातार बोलना है, आवृत्ति देना है, और जितनी देर आपने इसको जप किया है उसका दशांश आपको हवन करना है तो ही ये मंत्र काम करता है। ओम सोह व्रज नखाय, ओम सोह वज्र नखाय दंष्टा युधाय महासिंहाय हुम फट, ओम सोह वज्र नखाय दंष्टा युधाय महासिंहाय हुम फट, ओम सोह व्रज नखाय दंष्टा युधाय महासिंहाय हुम फट, ओम सोह वज्र नखाय दंष्टा युधाय महासिंहाय हुम फट, ओम सोह वज्र नखाय दंष्टा युधाय महासिंहाय हुम फट, ओम सोह वज्र नखाय दंष्टा युधाय महासिंहाय हुम फट। ये मंत्र है, इसका विधान हमने आपको बता दिया, परंतु गुरु के सानिध्य में रह करके ही करें, गुरु से शिक्षा लेकर के ही करें, और गुरु से परमिशन लेकर के ही शमशान में जाना है। अपनी स्वयं की रक्षा अवश्य करें, इस घटपिंडी की रक्षा के लिए रक्षा कवच साथ में लेकर के जाएं, ये भी आपके लिए रक्षा कवच करने का ही काम करेगा, परंतु तब जब आप इसको सिद्ध कर लोगे, हवन कर लोगे, जप कर लोगे। जय माता दी, महासिंहाय नमो नमः।